महाराजा सूरजमल ना हार देखी ना मानी, वो लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जो एक एक वीर का धर्म होता है वो उन्होंने पूरा किया। सभा भी एक अनुदान से ही चलती है, लेकिन सभा की तरफ से 21,000 रुपए का अनुदान। अर्ध्य सम्राट महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है, हम सभी मिलकर वो मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, ताकि एक प्रेरणा मिले लोगों को कि आगे भी समाज और धर्म के लिए ऐसे ही बलिदान देते रहें। वे महापुरुष हैं, उनकी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेके हम अपने आप को बदलें। सूरजमल जी एक महान योद्धा, उन्होंने जो अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाई लड़ी उन सब में उन्होंने विजय प्राप्त की। राम राम जी सारे ने, मैं आपका रणबीर धनखड़, और आज से हम पंचकुला के सेक्टर 6 के अंदर सामने आपको नज़र आ रहा है सर छोटू राम जाट भवन। आज यहाँ पे पंचकुला आर्य समाज के द्वारा सब हृदय दिल अजय सम्राट महाराजा सूरजमल जी का बलिदान दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत अशोक बागर जी के द्वारा हवन यज्ञ के साथ की गई। आचार्य ये आपको सामने नज़र आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो थे रिटायर्ड DGP महेंद्र सिंह मलिक जी, जो जाट सभा के अध्यक्ष भी हैं, और जो कार्यक्रम की जो अध्यक्षता की थी वो की थी रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल BS हुड्डा जी के द्वारा। इसके अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ में सैकड़ों की संख्या में अन्य लोगों ने भी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। देख ले घर में ही बैठा है कोई, देख ले घर में ही बैठा है कोई, ने मालिक सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व DGP महेंद्र सिंह मलिक जी ने अपने भाषण में महाराजा सूरजमल जी के बारे में विस्तार से बताया, और आयोजकों को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए जाट सभा की तरफ से 21,000 रुपये देने की घोषणा की। सबसे पहले मैं आपको आज के दिन की मुबारकबाद भी देता हूं, धन्यवाद करता हूं कि मुझे आज इस महान दिवस के ऊपर आपके मध्य आने का आपने अवसर प्रदान किया। आज के दो मुख्य विषय हैं, एक तो महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस कल है, उसके लिए मैं सब सर्वप्रथम आप सभी की ओर से उनको सत सत नमन करता हूं। महाराजा सूरजमल एक बहुत ही गौरवशाली, बहुत ही अत्यंत बलवान, बुद्धिमान, जो राजनीति के भी विशेषक थे, जन कल्याण के भी विशेषक थे, जिसने कभी हार नहीं मानी, ना हार देखी ना मानी, वो लड़ाई के अंदर लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जो एक एक वीर का धर्म होता है वो उन्होंने पूरा किया, और उन दिनों भी समाज कल्याण के लिए बहुत कुछ किया, मुगलों से बचाया, अंग्रेजों से भी कोई हार नहीं मानी। क्या ज्यादा हुआ है, वैसे तो जाट सभा भी एक अनुदान से ही चलती है, लेकिन सभा की तरफ से आज हमारा खजाना मंत्री भी यहाँ बैठा है, मैं आपका एक खर्चा पानी के लिए 21,000 रुपए का अनुदान सारी सभा को देता हूँ। और मेरा पुनः अनुरोध है, आप कोई भी समाज सेवक सेवा के लिए अभियान चलाएं, हम तन मन धन से आपकी सेवा करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आयोजकों के द्वारा आज के मुख्य अतिथि DGP महेंद्र सिंह मलिक, रिटायर्ड जनरल हुड्डा साहब व अन्य गणमान्य व्यक्तियों को समर्थि चिन्ह देकर के सम्मानित किया गया। हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व DGP और जाट सभा के अध्यक्ष महेंद्र सिंह मलिक जी, जिन्होंने अभी अभी जो यहाँ पे
प्रोग्राम हो रहा है उसके अंदर 21,000 रुपये जाट सभा की तरफ से देने का ऐलान किया है। सर आगे भी इस तरह से अगर हमारे जो महापुरुष हैं उनके कोई जयंती या बलिदान दिवस मनाया जाएगा तो जाट महासभा की तरफ से आगे भी इस तरह के अनुदान दिए जाते रहेंगे। आर्य समाज के आदर्श और आर्य समाज के सिद्धांत, मैं तो ये तमाम सभी भाई बहनों से और सभी निवासियों से निवेदन करूंगा कि वो सभी को अपनाने चाहिए। आर्य समाज किसी जात पात के साथ नहीं बंधा हुआ, ना ही वो किसी पर्टिकुलर धर्म का, बट मानव सेवा को ही धर्म मानते हैं। जब भी आप आयोजन करोगे जाट सभा, और मैं सब आपके साथ होंगे। जाट समाज सर पंचकुला के अंदर बिखरा हुआ है, संगठित करने के लिए सर कोई प्रयास जाट सभा की तरफ? जहाँ पर वर्ड जाट लगता है तो वहाँ बिखरे तो रहते ही हैं। बिखरना तो ये खासियत है, और इस बिखराव के अंदर ही आगे तरक्की करते हैं। अभी देखा होगा आपस में लड़ते हैं मरते हैं, लेकिन देश के सेवा के अंदर नंबर वन शहादत होती है, नंबर वन खिलाड़ी मेडल लाते हैं तो 60% ही समाज के होते हैं। जरूर इस बिखराव को भी ठीक करेंगे, कुछ नहीं भाई। अपने साथ जुड़ गए हैं सर्वधर्म जाट महासभा के राष्ट्रीय महासचिव अहलावत साहब। अहलावत साहब आज इतना जमवाड़ा क्यों ला रखे हैं? आज हमारे हृदय सम्राट महाराजा सूरजमल का बलिदान दिवस है, हम सभी मिलकर वो मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हमने सुबह 10 बजे से हवन का आयोजन किया हमारे आचार्य जी के द्वारा, और अब यहाँ पर फंक्शन किया गया है उसको बलिदान दिवस को मनाने के लिए, ताकि एक प्रेरणा मिले लोगों को कि आगे भी समाज और धर्म के लिए ऐसे ही बलिदान देते रहें। धन्यवाद। मैं हूँ बेसिकल पंजाब से हूँ, और हरियाणा में यहाँ पंचकुला सेक्टर 21 में रहता हूँ, और हम चाहते हैं कि जितने भी महापुरुष हैं उनकी से प्रेरणा लेनी चाहिए, उनके जीवन से प्रेरणा लेके हम अपने आप को बदलें और पूरे समाज को सुखी बनाएं, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मा कच्छे दुख भागवेद, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और मुस्कुराते रहे, और अच्छे पुरुषों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन का उत्थान करते रहें। धन्यवाद। ओम ओ गीता गंगा गायत्री पीपल, ये हमारी जड़ें हैं, और ऐसे ऐसे आयोजन आज हम दादा महाराज सूरजमल का बलिदान दिवस मना रहे हैं, स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों का बलिदान दिवस, यहाँ जाट सभा के प्रांगण में भाई देखा कितने सारे बलिदान दिवस एक साथ में मनाए जा रहे हैं। यहाँ दीन बंधु सर छोटू राम जी के जाट भवन में यहाँ सेक्टर 6 पंचकुला में आयोजन हो रहा है, यज्ञ हम कर चुके हैं, अब प्रोग्राम जारी है, और ये ऐसे ऐसे आयोजन इन जड़ों को, जिन जड़ों से हम जुड़े रहना चाहते हैं, इनको खाद पानी देने का काम करते हैं, ऐसे ऐसे आयोजन बार बार होते रहने चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई वार्ड नंबर 8 से पार्षद हरेंद्र मलिक जी। मलिक साहब आज के आयोजन पर दो सब। आज हम यहाँ पर महाराजा सूरजमल जो अजय योद्धा, उनके बलिदान दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है, और मुझे भी इस कार्यक्रम का निमंत्रण मिला था। आज हम सब यहाँ पर महाराजा सूरजमल जी उनका बलिदान दिवस मनाने के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं, और महाराजा सूरजमल जी एक महान योद्धा, उन्होंने जो अपने जीवन काल में जितनी भी लड़ाई लड़ी उन सब में उन्होंने विजय प्राप्त की, और उन्होंने हमेशा सभी पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए हमेशा संघर्ष किया। आज हमें उनके बलिदान दिवस पर जो भारत का युवा है उनको उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। वह इतना ही मैं आपसे। यह थी एक विशेष रिपोर्ट अजय सम्राट महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस की सेक्टर 6 पंचकुला से। और भाई वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और हो सके तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार सभी भाइयों को फिर राम राम।